तो हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज भाई बात करने वाले हैं थोड़ी यार वीडियो मेमोरी के बारे में। वीडियो मेमोरी क्या यार, देखो वर्चुअल मेमोरी के बारे में बहुत बार बात कर रखी है। वर्चुअल मेमोरी कहाँ आती है, रैम में यार। जो हमारी रैम अगर इनसफिशिएंट पड़ जाती है तो थोड़ी वर्चुअल मेमोरी बना सकते हैं। चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, आई बटन पे मिल जाएगी, वर्चुअल मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत इफिशियंट होती है और जरूरी है मेरे हिसाब से, बढ़ा के रखनी चाहिए, कभी कभार काम आ जाती है अगर लो एंड सिस्टम है तो। बाकी आज बात करेंगे यार वीडियो मेमोरी की। वीडियो मेमोरी कहाँ आती है, नॉर्मली अगर आपने ग्राफिक कार्ड देखा होगा, अगर लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड देखते हो तो वहाँ देखते होंगे यार आपकी, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड में जो मेन पॉइंट आउट करने चीज होती है वो वी रैम ही होता है। जैसे कि अभी यार आप RTX 2060 ले लो तो वहां पे 8 GB की वी रैम होती है, कोई अलग चीज नहीं है, वी रैम लिखा रहता है। आपने देखा होगा वीडियो मेमोरी जो उसके अंदर की होती है, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले। इसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर यार आप इंटेल का भी कोई भी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं आज की डेट में, जो अब थोड़ा सा यार एक्सप्लेन करने पर नहीं जाऊंगा वरना बहुत ALU और वो CU वाली बात हो जाएगी, वो नहीं, यहां सिंपल वर्ड में रखेंगे तो नॉर्मली जितने भी आप CPU यूज करते हो, प्रोसेसर यूज करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक के अंदर तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं और एक के अंदर नहीं आते हैं। जिनके अंदर नहीं आते हैं वो ज्यादातर राइजन की सीरीज है, देखा जाए राइजन इंटेल के भी है पर हाँ राइजन के ज्यादा रहते हैं। जैसे राइजन का राइजन 5 3600, ये सब के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, डुअल कोर है, तब भी आपके अंदर उसके अंदर वीडियो मेमोरी होगी। अभी इस समय भी डायरेक्टली कैसे चेक करना है वो भी बताएंगे और उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और बहुत इफिशियंट रहता है। अगर गेम्स वेम्स खेलते हो तो वहां पर यार आपको वीडियो मेमोरी बहुत काम आती है। नॉर्मली अगर बताऊं तो GTA 5 में जब आप ग्राफिक्स पढ़ाने जाओगे ना तो ऊपर वीडियो मेमोरी ही आपकी भरती है और अगर वो मैक्सिमम चल जाएगी तो गेम लैग करेगा, अगर वो सही रहेगी तो नहीं करेगा। तो चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं बहुत आराम से और उसके बाद अपने सिस्टम को थोड़ा सा यार अपना फास्ट तो बना ही सकते हैं। तो चलो यार चलते हैं बेसिकली स्क्रीन पे, देखते हैं सारे प्रोसेस, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों यहां चुके हैं डेस्कटॉप पे। सबसे पहले तो देख लेते हैं यार आपको अगर वी रैम चेक करनी है अपने CPU हो गया या प्रोसेसर हो गया कितनी है या ग्राफिक कार्ड है, तो सबसे पहले करना क्या यार, यहां जाना है और सेटिंग्स में पहुंच जाना है। सेटिंग्स में पहुंचते ही डिस्प्ले में चले जाना है, डिस्प्ले नहीं है सिस्टम्स स्टॉप वाला, और उसके अंदर डिस्प्ले आपको ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले में आना है और यहां देखो यार क्या होता है, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, इस पर क्लिक करना है और यहां पे फिर आपको मिलेगा डिस्प्ले एडेप्टर प्रॉपर्टीज फॉर डिस्प्ले 1, ठीक है, इस पर आपको चले जाना है और यहां आपको पता चल जाएगा आपका। देखो यहां डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी जो आ रही है ना, यही आपकी मतलब होती है। जैसे इसमें 8 है, मतलब इसमें 8 GB के आसपास है तो देख सकते हो इतनी आ रही है यहां पे, ठीक है। अब इसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हर में अलग अलग होता है यार। 1 GB का अगर आपका ग्राफिक कार्ड होगा तो यहाँ 1 GB होगा, 1024, ठीक है। तो उस तरीके से अब बात करते हैं इसे यार इंक्रीज कैसे करना है। तो दोस्तों करना क्या, आपको विंडो प्लस R बटन दबाना है और रिजिडिट लिखना है, REGEDIT, ओके, और इसके बाद ओके दबा देना है, यस ओके दबाना है। उसके बाद यार आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इस पे मत जाना है, मैंने पहले का ओपन कर रखा है इस कारण ये आ रहा है, एक बार इसको बंद कर देता हूं, यस ठीक है। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा और यहां आपको मिलेगा लोकल मशीन, यस लोकल मशीन को आपको खोल लेना है। इसके अंदर लोकल मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर्स में जाना है और सॉफ्टवेयर्स में जाते ही आपको इस तरीके का कुछ आ रहा है ना इंटरफेस, यहां देखो इंटेल में आपको आ जाना है, ठीक है। तो इंटेल के अंदर ना मैं ये पुराना वाला हटा देता हूं यार वरना आपको कंफ्यूजन होगी। इंटेल में आप पहुंचते ही यार जैसे आप आओगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। इंटेल में आपको करना है राइट क्लिक और यहां जाना है न्यू पे, न्यू पे जाके की पे जाना है और यहां लिखना है जी कैपिटल में लिख सकते हो GMM, यस GMM लिखना है और यहाँ पे आपको इस इंटरफेस में मतलब अंदर वाले में पहुँच जाना है। यहाँ फिर से राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ देखो यार अगर आपका सिस्टम 32-bit है तो 32-bit आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, 64 है तो 64, जैसे मेरा तो यार 64 है। अगर आपको चेक नहीं करना आता है कौन सा है तो यार आप यहाँ जा सकते हो और इसके बाद यहाँ दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में पहुँच सकते हो और प्रॉपर्टीज में आपको अपने सिस्टम का पता चल जाएगा, जैसे 64 है, ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं जाता हूँ और न्यू पे जाऊँगा और यहाँ 64 वाले पे सेलेक्ट करूँगा, इस तरीके का। अब यहां पे कुछ चीजें लिखनी है, जैसे आपको लिखना क्या है, डी बड़ा रखना है आपको इसके अंदर और डेडिकेटेड, और डेडिकेटेड लिखने के बाद आपको लिखना है सेगमेंट, यस SEGMENT सेगमेंट और साइज। ये देखो ये सारा कुछ एकदम सेम ऐसे ही होना चाहिए, मैंने बाकी स्क्रीन पे लिख दिया, अगर मैंने कुछ गलत लिखा होगा तो स्क्रीन पे आपका टॉप अप में आ रहा है ना वही सही है, ठीक है। तो डेडिकेटेड सेगमेंट साइज लिखने के बाद इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी पे, यस इसी पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो डालनी है ना वो जरा ध्यान से, अगर आपने 64 वाला चुना है जो मैंने चुन रखा है 64-bit वाला, तो आपको यहाँ पे डालना है 512, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे चुना रहता है यार 32-bit तो आप यहाँ पे डालते इसका हाफ कर दो 256, ठीक है।
हमने तो 64 चुना है तो हम यहाँ डालेंगे 512 आने के बाद, जो 512 आने के बाद आपको फिर डेसिमल में भी करना है इसे, ओके ठीक है। ये डेसिमल हेक्साडेसिमल होते हैं यार, बाइनरी कोड्स वो सब, ठीक है। तो आपको यहाँ डेसिमल में करके ओके दबाना है, तो यस यू विल फिनिश यार, हो गया। बस इसको क्रॉस करना है, रीस्टार्ट करना है अपना सिस्टम, फिर जाके अपना यार वर्चुअल जो आपकी वीडियो मेमोरी थी वो चेक करना, आपको इंक्रीज मिलेगी। तो इस तरीके से आप यार अपनी वीडियो मेमोरी बढ़ा सकते हो। अब क्या होगा, जो भी गेम डिमांड कर रही थी वो फुलफिल हो जाएगी, आपकी गेम्स अच्छे से चल पाएगी और बढ़िया ही रहेगा यार, थोड़ा सिस्टम फास्ट हो ही जाता है। चलो इस वीडियो में इतना ही यार, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए जाना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।